आंसेबल नगर के वार्ड एक में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश अंतर्गत स्थानीय दुर्गा मंदिर के पीछे प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीला विनोद वसावी, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर सहित व अन्य जनप्रतिनिधि मंचासीन हुए। सरस्वती पूजन व अतिथियों का स्वागत करने पश्चात आयोजित कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। विधायक श्याम बर्डे ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है और पांचसिमल क्षेत्र के लिए करीब 8 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया। आशा कार्यकर्ताओं की समस्या जानने विधायक मंच से उतरकर पंडाल में बैठे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान एसडीएम रमेश सिसोदिया, थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश, नगर परिषद सीएमओ रामप्रसाद धावरे, जनपद पंचायत सीईओ महेश पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे आदि मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में वर्चुअल रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत पूरे प्रदेश भर के कई निर्माण कार्य एवं लोकार्पण कार्य का आज वर्चुअल भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जो कि लगभग 17,500 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए गए थे। उसी निमित्त आज पांचवल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत नगरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर भी 8 करोड़ के समथिंग निर्माण कार्य एवं लोकार्पण कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। नगर में एक रिटर्निंग वाल को लेकर भी असमंजस्य बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रिटर्निंग वाल को लेकर जो कि एक नगर का प्रमुख हिस्सा है, उसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष भी, जनपद अध्यक्ष भी और सारे नेता हम लोग लगे हुए हैं। कहीं कहीं कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसका बीच में काम रोका गया था, जिसका मैं खुद विभागीय मंत्री जी को और प्रमुख सचिव से भेंट कर उसकी फिर से उसका निरीक्षण कर उसके वो करके उसकी राशि हमारे नगर में आ गई है, वो उसको भी जल्दी काम हम चालू करवाएंगे। कुछ समस्याएं आपने बीच में मंच से उतर के भी सुनी, तो क्या समस्याएं थी थोड़ा बताएं? वो हमारी आशा कार्यकर्ता दीदियों का था, हमारी कार्यकर्ता दीदियों का था, विभागीय कुछ उनको व्यक्तिगत उनके वेतन संबंधित था और कुछ और प्रशासनिक मामले को लेकर था, इसलिए मैं उनके बैठ बैठ के बात करी और उनकी जो भी हो विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्या निराकरण किया। धन्यवाद।